नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। आज सागर में कोरोना की घंटी नहीं घंटा बजा है। हम आपको बता दें 38 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सागर में कोरोना की सुनामी आ गई है। जी हां, और हम आपको बता दें अब तो आप गंभीर हो जाइए और सावधानी पूरी तरीके से बना रखिए। तीसरी लहर का आगमन सागर में हो चुका है। जी हाँ, और हम आपसे एक अपील करेंगे, बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। सागर में आज 38 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। सुनिए जरा डॉक्टर उमेश पटेल बीएमसी से, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमेश पटेल, मीडिया प्रभारी बीएमसी सागर। आज है 6 जनवरी। आपको कोरोना से संबंधित मरीजों का अपडेट देना चाहूंगा। बीएमसी की वायरोलॉजी लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 38 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में आज एक संदिग्ध मरीज इलाजरत है, जबकि हाई डिपेंडेंसी यूनिट में आज 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज इलाजरत हैं। आईसीयू में कोई भी मरीज इलाजरत नहीं है। बीएमसी में भर्ती किए गए मरीज की संख्या 1 है। बीएमसी से डिस्चार्ज किए गए मरीज की संख्या भी 1 है। बीएमसी की फ्लू ओपीडी में देखे गए संदिग्ध मरीजों की संख्या आज 114 है। आप सभी से निवेदन है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना के मरीजों में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर का आरंभ हो गया है। कृपया कर वैक्सीन लगवा लें, सावधानी बनवाए रखें, भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। धन्यवाद।